शिकस्ता बाय डोरिस लेसिंग। क्वेश्चन नंबर देना है, शिकस्ता 1979 इज अ साइंस फिक्शन नॉवल। देखिए ध्यान से समझिए, साइंस के बारे में है, फिक्शन काल्पनिक कथा है और नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है, नॉवल है, लंबी कहानी है, बाय डोरिस लेसिंग। शी इज अ ब्रिटिश जिम्बाबियन, अंग्रेज है और जिम्बाबियन, जैसे मेरा बेटा कैसे है, इंडियन है अभी अमेरिकन बन गया, तो इसी तरह वो ब्रिटिश और जिम्बाबियन है दोनों। अब देखिए वर्क्स देना चाहिए आपको, वर्क्स, वर्क्स में क्या है, डोरिस लेसिंग इज अ नोबेल लॉरिएट, उनको नोबेल प्राइज मिला है। हर फेमस वर्क्स आर अंडर माई स्किन, मार्था क्वेस्ट, वॉकिंग इन द शेड, अल्फ्रेड एंड एमिली एंड मेनी मोर। जो आपको याद हो दीजिए, नहीं याद हो तो कम कर दीजिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हाँ अब देखिए, व्हेन शी डोरिस लेसिंग वाज अ यंग गर्ल शी लिव्ड इन जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे में रहती है, अ कंट्री इन साउथ अफ्रीका, कहाँ है ये, साउथ अफ्रीका में। शी सॉ रेसिज्म एट दैट प्लेस, वहाँ रेसिज्म देखिए, रेसिज्म क्या हम समझाते हैं, शी फेल्ट दिस वॉज रॉन्ग, उसको लगा ये रेसिज्म है, गलत है, तो रेसिज्म में माना क्या होता है, देखिए द मीनिंग ऑफ रेसिज्म इज वन लॉ फॉर द वाइट अनदर लॉ फॉर द ब्लैक, गोरे के लिए एक कानून, ब्लैक के लिए दूसरा कानून, गोरा गलती करेगा कुछ नहीं होगा, काला गलती करेगा तो जेल, ये सब उल्टा पुल्टा काम होता है। द ब्लैक अफ्रीकन्स वर सोल्ड एज एनिमल्स बाय द वाइट, और कुछ पहले जब गुलामी प्रथा थी उस समय तो ब्लैक को एकदम जानवर की तरह रस्सी में बांध के, चेन में बांध के बेचता था उसको, ये सब अत्याचार होते रहता। डोरिस लेसिंग सॉ द, पेज टू में हम आ गए, सॉ द हॉरर ऑफ द टू वर्ल्ड वॉर, और देखिए क्या क्या देखिए बेचारी राइटर जो है, दो वर्ल्ड वॉर को देखिए, उसका कठोरता देखिए, हॉरर देखिए, गंदगी देखिए। डेट दे दीजिए दोनों का, इंपॉर्टेंट डेट 1940 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1939 to 1945, ये डेट आपको जानना चाहिए। द शॉकिंग डीड्स ऑफ हिटलर एंड द एटॉमिक एक्सप्लोजन इन जापान टुक प्लेस इन द लाइफ टाइम ऑफ द राइटर डोरिस लेसिंग, और इसकी ज़िंदगी के काल में ही हिटलर का तानाशाही वो देखी, एटॉमिक एक्सप्लोजन का उसको अनुभव हुआ, समझ गए, तो इस सब का प्रतिक्रिया क्या हुआ, डोरिस लेसिंग वॉज अ लेफ्टिस्ट, शी वॉन्टेड सोशल चेंज, इतना अत्याचार देख के उसको हुआ कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। शी डिड नॉट वॉन्ट अ वायलेंट चेंज ब्रॉट अबाउट बाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन फ्रेंच फ्रांस की क्रांति में जो हिंसा मार काट हुआ वो नहीं चाहती थी। उसका डेट बहुत याद है, 1789 एकदम, ये डेट दीजिए, ठीक है। अच्छी डोरिस लेसिंग हैज़ बीन इन्फ्लुएंस बाय, किससे प्रभावित हुई है, मारकाट से नहीं, द ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट ऑफ द बाइबल, बाइबल धार्मिक किताब है क्रिश्चियन की, इससे प्रभावित हुई है, एंड द कुरान, और कुरान से भी प्रभावित हुई है। अब हम पेज 3 में आ गए, शी बिकेम अ सूफी बिलीवर, वो क्या हो गई, सूफी बन गई। वो सूफी क्या होता है, सूफी इज अ पर्सन हु हैज डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ अल्लाह गॉड, तो सूफी क्या होता है, भगवान से डायरेक्ट रिलेशन रखता है, उसको मिडिल मैन नहीं चाहिए। अ सूफी डज नॉट नीड अ मिडिल मैन टू शो हिम द वे टू गॉड, वो भगवान से मिलने के लिए उसको मध्यम में कोई रास्ता नहीं चाहिए, कोई उसको पंडित पुरोहित ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट भगवान से सूफी विश्वास करता है। शिकस्ता इज अ सूफी इंस्पायर्ड नॉवल, इसे प्रभावित हुआ है। द फुल टाइटल ऑफ द नॉवल, अब देखिए धीरे धीरे हम कहानी पा रहे हैं, फुल टाइटल नॉवल क्या है, री कॉलोनाइज्ड प्लैनेट 5 शिकस्ता, लंबा टाइटल है लेकिन शॉर्ट में लोग उसको कल शिकस्ता करते हैं। अब देखिए री हम समझा रहे हैं, री स्टैंड फॉर टू थिंग्स, दो चीज़ के लिए, री इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, इन दिस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स लर्न अबाउट डिफरेंट रिलीजन, तो इसका ये भी माना हो सकता है डिफरेंट रिलीजन को संबोधित कर रहा है। और दूसरा माने क्या होता है री का, और पेज 4 में है, री स्टैंड फॉर रेफरेंस एट द बिगिनिंग ऑफ अ बिजनेस, रेफरेंस भी दे रहा है तो टाइटल जब तक रहती है, उसको समझा दिए बस और क्या। द टाइटल शोज दैट द नॉवल हैज़ अ वास्ट कैनवास, अब देखिए टाइटल से पता लगता है कि उसका कैनवास एरिया बहुत बड़ा है, एकदम प्लानिटे के बारे में, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जेन ऑस्टिन स्मॉल कैनवास, और जेन ऑस्टिन का कैनवास बहुत छोटा था, उसको क्या कहते हैं 2 inches आइवरी, हाथी का दांत का बना हुआ कुछ 2 inch का नहीं लंबा चौड़ा छोटा सा। जेन ऑस्टिन मोस्ट पॉपुलर नॉवल्स आर एम्मा एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, सब यदि पढ़े हैं कुछ हमको आइडिया है, एकदम शादी ब्याह पार्टी, एक घर दूसरा घर छोटा सा गांव, उसी के कैनवास। और इस नॉवल में शिकस्ता में तो पूरा यूनिवर्स है, अर्थ है, बहुत दुनिया, बहुत बड़ा कैनवास, एरिया बहुत बड़ा है।
नहीं आप देखिए अब कहानी पाइए, जैसे बहुत इंट्रोडक्शन बहुत दे दिए, अब मेन बात है स्टोरी पर आइए। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन सिकस्ता जॉर्ज, बेन का पूरा नाम बेंजामिन, रेकेल वो लड़की का नाम है, अब वुमेन हु डाइड बेचारी मर जाती है, लिंडा, ये सुजाना जॉर्जेस गर्लफ्रेंड इसका, सुजाना इज प्योर एंड पेज फाइव में आ गए, एंड प्योर इज अ प्योर एंड सिंपल गर्ल, शी इज अ कॉन्ट्रास्ट टू रकेल। इसके रकेल एक तरह की है, ये दूसरे तरह की, दोनों लड़की है लेकिन दोनों का अलग अलग नेचर है। देर इज एक्शन इन द नॉवल, नॉवल में एक्शन है। द ब्लैक रेसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉन्ट टू टेक रिवेंज अगेंस्ट द वाइट रेस। अब देखिए इस नॉवल में क्या होता है, ब्लैक पर तो बहुत अत्याचार हुआ ना, अब इस नॉवल में क्या है कि ब्लैक लोग हैं वो बदला लेना चाहते हैं गोरे के खिलाफ, लड़ाई करना चाहते हैं। जॉर्ज मेक्स द ब्लैक्स रियलाइज दैट द ब्लैक्स देमसेल्व्स हैव इनह्यूमैनिटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ देयर वीमेन एंड माइनॉरिटीज। तो ये समझाता है जॉर्ज है ना, बहुत समझदार आदमी है, और ये समझाता है कि देखो भैया तुम लोगों में भी तो इतना अत्याचार होते रहता है, औरत को तुम लोग किस तरह खराब ट्रीटमेंट करते हो, वहाँ आपस में तुम लोग भी माइनॉरिटी हो, जैसे हिंदू में जात पात है, तो समझा के कहता है तो तुम लोग में कमजोरी है, तो अब ये सब मत करो, मारकाट मत करो। ये एक्शन अगेंस्ट द वाइट रेसेस इज अवॉइडेड, तो वो लोग लड़ाई करने वाला था वाइट पर्सन वो बच जाता है। ठीक है, तो जॉर्ज का बड़ा अच्छा रोल है। रेकल डाइज बिकॉज शी इग्नोर्स जॉर्जेज इंस्ट्रक्शन टू स्टे होम एंड लुक आफ्टर द टू ऑफ। रेकेल जो है वो जॉर्ज का बात नहीं मानती है, और इस कारण से क्या हो जाती है बेचारी भर जाती है, पकड़ा जाती है और आत्महत्या करके मर जाती है। तो जॉर्ज का बहुत जो है ना बहुत अच्छा गाइड है, उसकी बात को जो नहीं मानता उसको भोगना पड़ता है। अब देखिए बेंजामिन बेन ओबेज जॉर्ज, एज अ रिजल्ट बेन इज नॉट अ विक्टिम ऑफ द चाइनीज ओवरलॉर्ड। अब देखिए बेन जो है चाइनीज ओवरलॉर्ड का विक्टिम शिकार नहीं होता है। ओवरलॉर्ड मैंने क्या होता है, ओवरलॉर्ड आर द मिलिट्री डिक्टेटर्स, चाइनीज का मिलिट्री डिक्टेटर के चंगुल में नहीं पड़ता है। दे वॉन्टेड टू ब्राइब बेन, वो लोग चाइनीज डिक्टेटर क्या चाहता है, बेन को ब्राइब घूस देकर एंड यूज हिम टू एनाइलेट द वाइट रेस, वो चाहता था उसको घूस मिला के करके वो बोरे लोगों का एकदम एनाइलेट बना, एकदम जड़े से ना सुना एकदम नाशे कर देना चाहता है, एक को एनाइलेट मतलब जड़ से ख़त्म कर देना चाहता है। कौन लोग, ये चाइनीज ओवर लोग। तो ये उपन्यास है, उपन्यास में ये राइटर की सब कल्पना है, तो देख रहे वर्ल्ड लेवल पर ये सब लड़ाई हो रही है, फिक्शन है, काल्पनिक कथा है, साइंस फिक्शन है, तो इसमें ये सब कल्पना काल्पनिक बात दी गई। तो वो जो है क्या कहते हैं बेन जो है चंगुल में नहीं फंसता है। बेन हैज़ स्पिरिचुअल पावर, कारण क्या है, सो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति है, मनी कैन नॉट बाय हिम, और पैसा उसको खरीद नहीं सकता, कहता है दूसरे का लाख मेरा खाक, समझ उसे एकदम। लिंडा इज अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉर्ज, लिंडा जो है जॉर्ज के गाइडेंस में, शी इज़ अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ द कमिंग वॉर, ये समझती है कि अब दुनिया में लड़ाई वर्ल्ड वॉर से हो सकती है। फिर शी सेंड पीपल टू सेफ प्लेसेस जॉर्ज हैज चोजन, वो जो लोगों को बचाने के लिए जो सुरक्षित जगह है जहाँ जान का खतरा नहीं है वहाँ पर लिंडा भेज देती है, मतलब ये सोशल वर्क करती है। ठीक है, अब कंक्लूजन करना है। टू कंक्लूड इन द नॉवल शिकस्ता डॉरिस लेसिंग टेल्स अस दैट फॉर हैप्पीनेस वी मस्ट हैव स्पिरिचुअल पावर एंड नॉट ओनली मटीरियल एडवांसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जड़ की बात है, मेन बात है। कहती है कि खुशी के लिए, जिंदगी में खुशी के लिए हम लोग को आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए, और सिर्फ मटीरियल एडवांसमेंट नहीं, पैसा कौड़ी कार एरोप्लेन इसी से खुशी नहीं मिलती है, आपको स्पिरिचुअल पावर भी कुछ चाहिए। ठीक है, दे आर टू विंग्स ऑफ अ बर्ड, देर आर टू विंग्स ऑफ बर्ड, एक चिड़िया को दो पंख होते हैं, टू विंग्स, अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई विथ ओनली वन विंग, और एक चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती है। इन द सेम वे अ मैन कैन नॉट बी हैप्पी विथ ओनली मटीरियल प्रोग्रेस, इसीलिए मनुष्य जो है सिर्फ मटीरियल पैसा कौड़ी से खुश नहीं हो सकता है, स्पिरिचुअल पावर इज ऑल्सो नीडेड फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल पावर भी ज़रूरी है अब मनुष्य की खुशी के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। और क्या कहते हैं, हमको बार बार बोल रहे हैं, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं ये भेजिए सर, वो भेजिए सर, हम भेज ही नहीं पाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट रिटन आंसर्स प्लीज़ सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द मटीरियल टू द फॉलोइंग पोस्टल एड्रेस बाई बुक पोस्ट रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट और कुरियर। मेरा पता है प्रोफेसर बी के मिश्रा, 55 राजा हसन रोड, ऑपोजिट ज्ञान गंगा बुक स्टोर, बशाक चक, भागलपुर। ठीक है, डोंट सेंड मनी, पैसा मत भेजिए, सेंड हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी भेजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।